आईपीएल 2020 की शुरुआत में जब सभी टीम्स को ऑन पेपर देखा गया तो राजस्थान रॉयल्स को सब ने अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ियों से लैस राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने दिन पर किसी को भी मात देने में सक्षम है। लेकिन सीजन का पहला पड़ाव बीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स की झोली में सिर्फ 2 जीत और 3 हार आई है। ऐसे में फैंस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान रॉयल्स की नींव समझे जाने वाले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आखिरकार टीम के साथ कब जुड़ेंगे, आखिर कब वो अपनी आतिशी पारी से टीम को मैच जिताएंगे। तीसरी हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने बयान में कहा कि बेन स्टोक्स 10 तारीख तक टीम से बाहर रहेंगे और उसके बाद ही वो टीम को ज्वाइन करेंगे। स्मिथ ने कहा कि वो 10 तारीख तक बाहर हैं, हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आने से पहले हम कुछ मैच जीत कर मोमेंटम अपनी तरफ कर लें। बेन स्टोक्स ने कुछ निजी कारणों से आईपीएल का पहला सत्र मिस कर दिया था और पिछले हफ्ते वो आईपीएल के लिए यूएई पहुंचे हैं, जहां फिलहाल वो अपने क्वारंटीन पीरियड से गुजर रहे हैं। बेन स्टोक्स का यूएई आना राजस्थान रॉयल्स के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जहां बेन स्टोक्स बैटिंग यूनिट को मजबूत करते हैं तो वहीं अपनी शानदार बॉलिंग से किसी भी टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज को भी आउट करने का दमखम रखते हैं। इसके साथ ही बेन स्टोक्स एक शानदार फील्डर भी हैं। आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में बेन स्टोक्स मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अपनी विनिंग स्ट्रीक पर कमबैक कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।